हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग एरर बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम ठीक है एरर बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम इज कॉमनली यूज फॉर मल्टीलेयर न्यूरल प्रॉब्लम मल्टीलेयर प्रॉब्लम आपको पता है मल्टीलेयर में क्या क्या होता है इनपुट होता है हिडन uh, लेयर होता है और आउटपुट होता है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है तो ट्रेनिंग एल्गोरिदम में पहले आपको क्या करना पड़ता है इनिशियल वेट्स को आपको असाइन करना है और लर्निंग रेट दैट इज अल्फा को आपको इनिशियलाइज़ करना है उसके बाद में आपको कैलकुलेट नेट इनपुट टू ईच हिडन लेयर जैसे कि ये आपकी हिडन लेयर है जेड वन ठीक है तो इसको नेट इनपुट कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि इसको जितने भी इनपुट आ रहे हैं वो सभी इनपुट्स का सम और उसको जो बायस आपने दिया है ये बायस वन आया है इसको इसका वेटेड सम ठीक है सबके वेट्स और इनपुट वैल्यू मिला के जो आपको मिल रहा है वो आपको आपका नेट इनपुट होगा हिडन लेयर के लिए ऐसे आपको एक लेयर के लिए वेट कैलकुलेट करना है सो so यहाँ पेड जे ऑफ इन दैट इज झेड जे को जो इनपुट आ रहा है वो कैसे कैलकुलेट होगा जेड जीरो जे ये मीन्स बायस है बायस वैल्यू प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई वी आई जे दैट इज सभी के जो वेट्स है और इनपुट वैल्यू है उसका वेटेड सम जो है वो आपका जेड वन कैलकुलेट होगा और यहाँ पे हमने जेड जेड जे क्यों लिखा है जेड जे कैन भी जेड वन जेड टू जेड थ्री सभी वैल्यूज जो होंगे वो यहाँ पे ऐड हो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इनपुट टू हिडन लेयर ठीक है अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कैलकुलेट आउटपुट फ्रॉम हिडन लेयर बाय अप्लाइंग एक्टिवेशन फंक्शन ओवर अभी हिडन लेयर का इनपुट तो आपको मिल गया है बट उसको आपको एक्टिवेशन फंक्शन निकाल लगाना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट दे झेड जे नहीं मिला है आपको जेड इन ऑफ जे मिला है जेड जे निकालने के लिए इनपुट ऑफ j को एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है अभी बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू कैन अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया है देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज लीनियर फंक्शन होता है सिगमोइड फंक्शन सिग्मोइड फंक्शन उसमें से जो भी सुटेबल फंक्शन है वो आप अप्लाई करोगे तो आपको जेड जे की वैल्यू मिल जाएगी अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है सिग्नल्स आर एक्टेज इनपुट सिग्नल फॉर आउटपुट लेयर अभी पहले क्या था ये हमारी इनपुट लेयर थी और इसके लिए हमने जेड के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था जेड जे को क्या इनपुट आएगा ये निकाला था अभी जेड जे हमारा मीन्स ये हिडन लेयर जो है वो अभी इनपुट लेयर एक्ट करेगा और ये वाई वन वाई टू वाई थ्री दैट विल बी योर आउटपुट लेयर ठीक है तो सेम प्रोसेस अभी आपको जेड जे के लिए अप्लाई करनी है फॉर ईच आउटपुट यूनिट वाई के इज इक्वल टू वन माइनस एम कैलकुलेट नेट इनपुट अभी वाई इन पे क्या क्या नेट वैल्यूज आ रही है वो कैसे निकालोगे जीरो के प्लस समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू वन टू पी झेड जे डॉट डब्ल्यू जे के ये अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ठीक है जैसे मुझे वाई वन पे क्या आउटपुट आ रहा है वो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा वाई वन इज इक्वल टू झेड वन z1 और इसका जो वेट सपोज इसका वेट हमने कंसिडर किया है w1 वन जेड वन डब्ल्यू वन प्लस जेड टू डब्ल्यू टू प्लस जेड थ्री डब्ल्यू थ्री प्लस बाइस ये इसका सब समेशन जो है वो आएगा y1 ठीक है ऐसे ही आपको y2 और y3 भी निकालने हैं इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है वाई इन ऑफ के इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो के प्लस समीशन ऑफ जे इज इक्वल वन टू पी जेड जे डब्ल्यू जे के उसके बाद में ये तो मिल गया आपको y इन के अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा एक्टिवेशन फंक्शन उसको लगाना पड़ेगा y इन ऑफ के मीन्स टोटल जो k मिला है y इन मिला है उसको आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके y के निकालोगे सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द y के ईच आउटपुट यूनिट y के इज इक्वलस एम रिसीव द टारगेट पैटर्न टू द इनपुट ट्रेनिंग पैटर्न एंड कम्प्यूट द एर करेक्शन अभी ये निकालने के बाद आपको क्या करना है एरर निकालना है एरर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है सिग्मा के इज इक्वल टू टी माइनस टीके माइनस वाई के डॉट एफ डैश ऑफ वाई इनके एफ डैश मीन्स क्या है इसका आपने डेरेवेटिव लिया है जो भी आपको फंक्शन इनपुट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिया है और ये जो है वो टी के जो है वो टारगेट आउटपुट है और वाई के जो है वो अभी आपको जो एक्चुअल आउटपुट है जो अभी आपको मिला है वाई के ठीक है सो so, सिग्मा के निकालने के बाद आपको एरर मिल जाएगा एरर मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड एरर आ, एरर करेक्शन टर्म अपडेट द वेट्स एरर के हिसाब से वेट्स को आपको अपडेट करना है जब तक आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब को आपको तब तक आपको वेट्स को अपडेट करना है वेट अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा डेल्टा ऑफ डब्ल्यू जे के इज इक्वल टू अल्फा इन सिग्मा के डॉट जेड जे आउटपुट ऑफ द हिडन लेयर जेड जे क्या था हिडन लेयर का आउटपुट था सिग्मा के क्या थी हमारी एरर वैल्यू थी और अल्फा क्या था लर्निंग रूल था और उसके बाद में हमारा बायस कैसे अपडेट होगा अल्फा डॉट सिग्मा के अल्फा इज अ लर्निंग रूल लर्निंग रेट एंड सिग्मा के इज द एरर वैल्यू और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सेंड सिग्मा के टू द हिडन लेयर बैकवर्ड बैक प्रोपेगेशन है तो क्या करना पड़ेगा कि एरर की वैल्यू हमें बैकवर्ड सेंड करनी पड़ेगी और वेट्स को अपडेट करना है अपडेट वेट्स एंड बायस फॉर आउटपुट एंड हिडन यूनिट दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एस बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम जो एरर है वो हम पिछले लेयर को भेजते हैं और फिर से वेट्स को अपडेट करके और बायस को अपडेट करके हम लोग आउटपुट्स uh, निकालते हैं So, this is about the error back propagation algorithm. That's all for this video. Remaining topics we will discuss in the next video. Thank you.